टोंक में ट्रैक्टर ड्राइवर भजनलाल मीणा की संदिग्ध मौत के विरोध में विधायक हरीश मीणा और गोपीचंद मीणा का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा, वहीं इसका धरना छठे दिन भी जारी रहा है। सोमवार को राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा मृतक परिवार के घर पहुंचे और मृतक की पत्नी को अपनी 2 महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करते हुए हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वादा किया। साथ ही मीणा ने राज्य सरकार से मृतक के परिजनों को राहत पैकेज और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। साथ ही सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेकर मृतक का अंतिम संस्कार कराने की अपील की। और सरकार का रुख तो आज सरकार के मंत्री आ गए, मुझे पता लगा कि सरकार के मंत्री पहले गांव आएंगे फिर धरना स्थल पर जाएंगे। ये बात सही है, कितनी तेज गर्मी में और 6 दिन से लाश पड़ी हुई है और महिलाओं का भी धैर्य छोड़ गया है, गांव परेशान है। 6 दिन से महिलाओं ने भी खाना नहीं खाया, बड़ी तंग है, बड़ी परेशानी और रो रो कर कह रही है कि हमारे मिनट को लाओ, मेरे आदमी को लाओ। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि मृतक हरभजन जिसकी डेड बॉडी नगर कोर्ट में है, सरकार कुछ न कुछ घोषणा करे और डेड बॉडी जल्दी से जल्दी आए जिससे उसका दाह संस्कार किया जा सके। मेरी तरफ से 2 महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपए मैंने दी है और सरकार के मांग पत्र के हिसाब से आज इनको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए